नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 23। कैलकुलेट ए डेल जी नॉट, कैलकुलेट ए डेल जी नॉट एंड बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनओ टू फ्रॉम एनओ एंड ओ टू एट 298 केल्विन। उसके लिए पहले हमने जो यहाँ पे जो इक्वेशन दी है वो देख लेते हैं। एनओ प्लस हाफ ऑफ ओ टू एनओ टू, पर जो आपका डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है एन ओ टू के लिए, फॉर्मेशन ऑफ एन ओ के लिए और आपका फॉर्मेशन ऑफ ओ टू के लिए, सब कुछ यहाँ पे आपका दिया गया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, पहले जो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट के लिए, जो यहाँ पे फॉर्मेशन एक्चुअली डेल्टा जी हम यहाँ पे फॉर्मेशन सिर्फ एन ओ टू का हो रहा है, तो हम एन ओ टू को पहले लिखेंगे, एन ओ टू को पहले लिखेंगे और फिर डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हम जो ओ टू है उससे हाफ ऑफ ओ टू, उसको हम दोनों के वैल्यूज़ लिखेंगे, जो डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ एन ओ है और हाफ ऑफ डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ ओ टू है, उन दोनों को माइनस कर लेंगे। डेल्टा जी जो फॉर्मेशन ऑफ वो है ओ टू है वो तो ज़ीरो है, तो हाफ का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फिर हम इसे माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद जो निकलता है माइनस 35, वो है डेल्टा जी नॉट। फिर कैलकुलेशन ऑफ के सी, हम जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट इज़ इक्वल टू माइनस 2.303 लॉग आर टी लॉग के सी, तो यहाँ पे हमें लॉग के सी को हम निकाल लेंगे। उसके लिए हम डेल्टा जी की वैल्यू को पुट कर लेंगे यहाँ पे, किलो जूल में निकला था तो जूल में कन्वर्ट कर ले इनटू 10^3 लिख के, और फिर कैलकुलेट करके हमें मिलता है जो लॉग के सी है वो 6.134, और फिर जो एंटी लॉग करके हम के सी की वैल्यू निकालते हैं तब वो मिलती है 1.36 × 10^6। यहाँ पे हम एंटी लॉग कर लेंगे उसका, एंटी लॉग करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको याद रखने के डेल्टा जी फॉर्मेशंस जो है उनमें उससे कैसे आपको डेल्टा जी नॉट निकालनी है पूरे रिएक्शन की, और फिर दूसरी बात डेल्टा जी नॉट और के सी के बीच का रिलेशन क्या है।